अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का। सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब हम क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटीज को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर क्या कर देना, अरेंज कर देना, हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। अब किस तरीके से अरेंज करना है, अरेंजमेंट आपके पास कैसी होती है कि आप क्वांटिटीज को अरेंज करो इन द फॉर्म ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। मतलब उसको रॉज एंड कॉलम्स के अंदर लेकर आ जाओ, इनक्लोज्ड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, और उसे किसमें लिख दो, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में मौजूद है ए, ए हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे हम लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया, स्क्वायर बना दिया यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, 1 2 3 4, मतलब क्वांटिटीज आपके पास मौजूद है, आपने इन क्वांटिटीज को लिख दिया किस फॉर्म के अंदर, आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। इससे पहले पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आपके पास क्या है कि इसमें किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रॉज और कितने कॉलम्स है। जैसे कि यहाँ पर रॉ, ये आपके पास रॉस कहलाते हैं, ये आपके पास कॉलम कहलाते हैं। तो यहाँ पे कितनी रॉस कितने कॉलम्स हैं, यहाँ पे 2 रॉस हैं एंड 2 कॉलम्स आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे लिख दिया 2 × 2, तो ऑर्डर को इस तरीके से लिखते हैं 2 × 2, रॉस को पहले लिखा जाता है, कॉलम्स को बाद में लिखा जाता है। अब आते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। मैट्रिक्स की आपके पास फर्स्ट टाइप है, आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके रॉस एंड कॉलम्स इक्वल हो, कितने भी हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 1 1 हो, लेकिन उसके रॉस एंड कॉलम्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे कि आपके पास ये है, यहाँ पे 2 रॉस एंड 2 कॉलम्स है, यहाँ पे आपके पास 1 रॉ एंड 1 कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास क्या है, जिसके रॉस एंड कॉलम्स इक्वल हो, वह क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अब हमारे पास आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपका वो मैट्रिक्स होता है जिसके रॉस एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते। जैसे जिसके रॉस एंड कॉलम्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे, तो आपको क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसमें एक रॉ है, 2 कॉलम्स है, इसके अंदर आपके पास 2 रॉ है और आपके पास 1 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स आपको क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आते हैं रॉ मैट्रिक्स की तरफ। रॉ मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, रॉ मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रॉ आपके पास हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा, रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि आपके पास ये है, तो आपके पास ये देखें, एक ही रॉ के अंदर आपका जो है मैट्रिक्स को खत्म हो रहा है, कॉलम कितने भी हो लेकिन रॉ आपकी एक होनी चाहिए, तो वो मैट्रिक्स आपको कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। कॉलम मैट्रिक्स आपको वो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही कॉलम हो, रॉ कितने भी हो लेकिन कॉलम एक होना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम आपके पास आ रहा है, तो ये आपके पास कौन सा कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास वो मैट्रिक्स होता है जिसके लीडिंग एलिमेंट्स के अलावा, ये लीडिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं आपके, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स आपके पास मौजूद होंगे वो 0 के बराबर हो। एक और एग्जांपल में आपके पास लिख देता हूं, 1 3 5, इसके अलावा जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, 0 होंगे, तो ये आपके पास लीडिंग एलिमेंट्स आ गए। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हो वो आपके पास 0, लेकिन ये डिफरेंट होने चाहिए, ये आपके लिए कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आपके पास जो है डायगोनल मैट्रिक्स से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसके अंदर आपके पास लीडिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो लीडिंग एलिमेंट आपके क्या क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 है तो नीचे भी क्या है, 2 है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हो वो तो 0 हो, लेकिन अब लीडिंग एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। देन हमारे पास आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, कि जितने भी एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हो वो क्या हो, 0 हो। जैसे मैंने मैट्रिक्स आपके पास बनाया है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैंने क्या लिए हैं, 0 लिए हैं, तो हमारे क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। देन लास्ट हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, जिसके लीडिंग एलिमेंट हमेशा क्या हो, 1 हो, यूनिट हो, वो हमारे क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अलावा तमाम एलिमेंट्स कैसे हो, 0 हो, तो स्केलर यूनिट और डायगोनल के अंदर ये आपके पास क्या है, फर्क है। यूनिट मैट्रिक्स आपके पास क्या है, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास, लीडिंग एलिमेंट्स आपके पास जो हो वो क्या हो, 1 हो। जैसे कि यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 1 है, जिसको हमेशा हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। लास्ट टॉपिक हमारे पास है इसका, ये टॉपिक हमारे पास मैट्रिक्स के टाइप खत्म हो गए। एक आपके पास है ट्रांसपोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोजिशन आपके पास क्या होता है, मतलब ट्रांसपोज कर देना। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, कि आप किसी भी मैट्रिक्स की रॉ को उसको कॉलम में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। जैसे कि हमारे पास एक रॉ ये थी, एक रॉ ये थी, अब ये रॉ हमारे पास R1 और R2 है, हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में, ये कॉलम में आ गया और सेकंड ये कॉलम में आ गया, तो ये R1 थी, इसका कॉलम C1 हो गया,
ये आर टू था, इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉलम टू में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है, जिसके अंदर ऊपर छोटा सा क्या बना देते हैं, टी बना देते हैं। अब हमने जो था इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया। इंट्रोडक्शन के बाद अब आपने फिल द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से आपने करना है। अब आपको इंट्रोडक्शन पता है, आप आराम से फिल द ब्लैंक्स भी कर सकते हो, ट्रू फॉल्स भी कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, राइट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब आपने क्या करना है, ऑर्डर बताने, ऑर्डर भी आप पढ़ चुके, लेकिन मैं सोचा एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। तो इसके अंदर आपके पास ऑर्डर, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर में आपके पास क्या होता है कि आपको उसकी रॉज एंड कॉलम्स बतानी होती है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास है, इसमें कितनी रॉज है, एक रॉ ये, अपॉन के अंदर फुल वैल्यू आ रही है तो एक ही वैल्यू, एक रॉ ये, मतलब आर वन और आर टू, ये लिखना नहीं है कॉपी के अंदर, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपने सिर्फ क्या लिखा है। इसमें टू रॉज है, आपने टू रॉज लिख दी। कॉलम कितने आपके पास आए, कॉलम वन देन कॉलम टू, मतलब सी वन एंड सी टू, तो आपने टू लिख दिया। तो बस आपने बताना होता है ऑर्डर आपके पास क्या है, जिसमें रॉज एंड कॉलम्स बतानी होती है। पहले रॉ लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है, तो आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि रॉ लिखनी कॉलम लिखनी है, उसके बाद आपने पहले रॉ लिख देना है, मल्टीप्लाई का निशान लगाना है और फिर कॉलम लिख देना है। ये आपके पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है।